स्वागत है आपका द न्यूज नेटवर्क में। मैं सफवत अब्बास। और जिस तरह से एनआरसी और कैब को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है, इसी को लेकर मुस्लिम यूनियन लीग बिहार के जो सेक्रेटरी हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। पहले का बहुत दिनों में बताऊँ, मेरा नाम राशिद अकबर और मैं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का पोस्टर सेक्रेटरी करने का काम कर रहा हूँ। सबसे पहले चीज़ ये है कि जो ये बिल आया है सीएबी, अब सीए हो गया क्योंकि अब एक्ट बन चुका है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट आया है। ये एनआरसी और सिर्फ मुसलमानों पर लागू करने के लिए लाया है। आप ये बताइए कि हिंदू सिख बौद्ध जैन पारसी छः धर्मों को आप दे रहे हैं पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान के लोगों को मानिकृष्ण रिजर्वेशन दे रहे हैं, आखिर आप बाकी मुसलमानों को क्यों नहीं रिजर्वेशन? इसी बात यह है कि जब श्रीलंका में वहाँ पर तमिल माइनरिटी है उसको जुल्म किए गए हैं, आपने उस पर क्यों नहीं, उसमें तो हिंदू भी तमिल भी हिंदू, आप उसको क्यों नहीं ना देख रहे, आप उसको भी नहीं कर रहे हैं? बांग्लादेश में जो रोहिंग्या मुसलमान थे वो तो शायद वहाँ बहुत 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 कंट्री है, वहाँ रोहिंग्या मुसलमान को जुम्मे ऐसा हुआ अपनी दुनिया देखा, क्या वो जुम्मे से सफाई नहीं गए थे, वो मुस्लिम नहीं थे, उसको आपके सवाल लेकिन नहीं अमेरिका के लिए कानून में शामिल किया। फिर उसी तरीके से आप नेपाल देखिए, ये तो हिंदू राष्ट्र है, यहाँ भी माइनॉरिटीज हैं, यहाँ सभी का टारगेट जो है डिवाइड एंड रूल है, और देश में जो है मुसलमान का सबसे टारगेट करना है, सबसे पहले मुस्लिम को टारगेट करेंगे, वो जानते हैं कि ये हमेशा एक अंक का झूठी और नकार है, ये कहते कुछ है करते कुछ है, आज कुछ कहेंगे कल कुछ कहेंगे। अमित शाह की पॉलिसी हमेशा गड़बड़ रही है। आप देखिए, नोटबंदी आया हमने कुछ नहीं बोला, जीएसटी आया हमने कुछ नहीं बोला, ट्रिपल तलाक बिल आया हमने कुछ नहीं बोला, कश्मीर में कश्मीर का 370 हटाया हमने कुछ नहीं बोला, आर्टिकल 37 हटाया मैंने कुछ नहीं बोला, हमने बाबरी मस्जिद पे जिस तरीके से इन लोगों ने गेम खेला और जिस तरीके से शहीद करवाया और उसके साथ प्लानिंग के तहत फैसला दिलवाया, हमने कुछ नहीं बोला। इतना ही नहीं, देश में जितने भी दंगे हुए, आप कहिए कि मॉब लिंचिंग हुए, हमने कुछ नहीं बोला। हमारी गलती थी, मुसलमानों की गलती थी, मुस्लिम तंजीमों की गलती थी कि खामोश रहे, इसलिए मैं कहता हूँ कि एनआरसी को हराना पड़ता, लेकिन आप खामोश नहीं रहेंगे, ये खामोशी मुझे दुनिया में जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कलाम मत चलो। इसलिए मैं कहता हूँ इंडियन मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से, क्योंकि मैं उसका स्टेट सेक्रेटरी हूँ, कि अब हम खामोश नहीं रहेंगे, हम इंट से इस बता देंगे, आपको बता दें कि इस देश पे जब कुर्बानी की जरूरत पड़ी थी सबसे ज़्यादा मुसलमानों को कुर्बानी दी थी, आपको बता दें कि वक्त एक शेर से मैं कहना चाहूँगा, तो वक्त जब गुलशन हिंद पे पड़ा था तो खून हमने दिया था, वक्त जब गुलशन हिंद पे पड़ा था तो खून हमने दिया था, आज जब वक्त बाहर आई तो कहते हो मुसलमान तेरा काम नहीं, जब इस देश पे पाकिस्तान ने हमला किया तो मीर अब्दुल हमीद ने पाकिस्तान का टैंक उड़ाया, उसका जवाब दिया, तब हिंदुस्तान सेफ रहा। इतना ही नहीं, जब इस देश में मिसाइल आइटम बम की जरूरत पड़ी तो मुसलमान ही था जो एपीजे अब्दुल कलाम, उसने इस देश को मिसाइल दिया, जब इस देश की इकोनॉमी खतरे में थी तो नवाब हैदराबाद ने 5,000 किलो से ज़्यादा सोना दिया जिससे मिसाइल हथियार खरीदे गए, जो चाइना पर उस वक्त हमला किया गया, चाइना ने इंडिया पर हमला किया तो उसने हथियार खरीद करके मिसाइल खरीद करके चाइना को उसका जवाब दिया गया। इतना ही नहीं, आप तो देख लीजिए मुगलिया सल्तनत में इस देश सोने की चिड़िया कहा जाती थी, इस देश की इकोनॉमी, आप सिर्फ बंगाल की इकोनॉमी उस वक्त इतना वेस्ट बंगाल नहीं था, बंगाल की इकोनॉमी इतनी थी कि पूरे इंग्लैंड की इकोनॉमी से ज़्यादा थी, हमने इस देश को सोने की चिड़िया बनाया, हमने उस वक्त भी इस देश की एकता अखंडता पे सवाल नहीं उठने दिया, उस वक्त हमने आतंकवादी पैदा होने नहीं दिया, जब हमारी हुकूमत थी तो हमने आतंकवादी नहीं पैदा होने दिया, आज क्या हो गया कि तुम्हारे सामने आतंकवादी तुम पैदा करते हो, आरएसएस बदरंदल बीच हिंदू पर ये सारे देश में बम ब्लास्ट करते हैं और मेल कर देते हैं इंडियन मुजाहिदीन के नाम से, मुसलमानों के नाम से, मुसलमानों को बदनाम करने की प्लानिंग है। और आपको बता दें, ये सीएए जो स्टेट अमेंडमेंट एक्ट, इसके तहत ये छः कौम से धर्मों को तो नागरिकता दे देंगे, लेकिन मुसलमान को इसलिए 1951 के तहत नागरिकता का पुरुष मांगेंगे तो कहाँ से देंगे, और इनको डिटेंशन कैंप पे रखा जाएगा, इनकी प्लानिंग है कि इनको डिटेंशन कैंप पे रख करके जिस तरह हिटलर ने हिराबुद्दीन का कत्लेआम किया था, इसलिए इनका ये मुसलमानों को कत्लेआम करना चाहते हैं, प्लान है, यहूदियों से गाइड होते हैं, ये इसराइल से गाइड होते हैं, पूरी दुनिया जानती है यहूदी इसराइल दुनिया में सबसे ज़्यादा फसाद फैलाते हैं, ये जो आरएसएस दुनिया की सबसे बड़ी और टेररिस्ट संगठन है जो हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि वर्ल्ड में साजिश रच रहे हैं, और सबसे ज़्यादा अगर इंडिया में बम ब्लास्ट का काम करते हैं तो आरएसएस करते हैं, बीजेपी करते हैं, बीच में हिंदू परिषद करते हैं, हिंदू युवा वाहिनी करते हैं और एबीवीपी करते हैं, इनकी प्लानिंग है कि आरएसएस ब्लास्ट करो और किसी निर्दोष मुसलमान को बंद करो। और आपको बता दें, ये सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट इतना डेंजरस है कि इसके तहत ये मुसलमान को टारगेट कर रहे हैं, कि सिटीजन ये जो है कैंप
जनसंख्या मुसलमान को कत्लाम करेंगे और इसके बाद फिर दलित को टारगेट करेंगे, फिर ईसाई को, फिर बौद्ध को, किसी को, वन बाई वन सबको टारगेट करेंगे। और इसके साथ साथ ये जो है इस तरह कत्लाम करेंगे, इस देश को बारूद बना रखा है। आप सोच बता दें कि और दूसरी बात यह है, इनका दूसरा मकसद ये भी है कि इसने जो है नोटबंदी किया था, GST लाया था, ये सारे में विफल हो गए। इसने महंगाई आसमान छू गई है, जितने वादे किए थे कि 15 लाख रुपये हर अकाउंट में आएंगे, 2 करोड़ रुपया हर साल मिलेगी, बड़े बड़े वादे किए थे अच्छे दिन आएंगे, ये सब विफल हो गए। देश बर्बाद हो गया, देश टूट चुका है, देश में बेरोजगारी बढ़ गई है, ऐसा बेरोजगार देश हो गया मैं बता नहीं सकता। देश की GDP 5% से नीचे चली गई, रियल में 2.5% से नीचे चली गई है, लेकिन ये मापदंड का कुछ स्केल था, इसके बावजूद भी 5% से नीचे चले, पेट्रोल आसमान छू रहा है। आपको बता दें इन सबको छुपाने के लिए भी ये नए नए सोशल आते हैं, और सिर्फ सोशल लाते नहीं है बल्कि मुसलमान हिंदुत्व ला कर मनुस्मृति लाना चाहते हैं, जिसमें सती प्रथा लाया जाएगा। अगर सती पर और सती प्रथा क्या है मनुस्मृति के तहत, ये औरतों को जो है जिंदा जलाया जाएगा, उसका पति मर जाएगा, तो औरतों इसलिए ये औरतों के द्रोही कानून भी है। इसलिए मैं औरतों से भी कहूँगा, तमाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बहुत सब औरतों से भी कहूँ, स्पेशली हिंदू औरतों से कहूँगा कि आप सती प्रथा का विरोध कीजिए, यानी कि आप जो है हिंदुत्व का विरोध कीजिए, मनुस्मृति का विरोध कीजिए, क्योंकि आपके जब पति मरेंगे तो इनको आपको सती प्रथा के तहत जिंदा जला दिया जाएगा। आप सबसे ज्यादा डेंजरस औरतों के लिए भी ये कानून है। इतना ही नहीं, ये हिंदू राष्ट्र के नाम पे, ये हिंदुत्व के नाम पे देश को इस तरह से नाश करना चाह रहे हैं। आपको बता दे वो अंजाम होगा तो बता नहीं सकता। जिसको इस शेर में मैं कहूंगा कि न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, न समझोगे तो मिट जाओगे अरे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान तक भी ना होगी दास्तानों में। ये देश दो ही बिल है, क्योंकि Article 14 राइट टू इक्वालिटी का अधिकार देता है, जिसमें किसी भी धर्म का कोई फर्क नहीं किया गया है। ये Article 14, Article 15, Article 21 ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेस है, इस बेस को अगर गिरा दिया जाएगा तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेन पिलर है गिर जाएगी। जब मेन पिलर गिर जाएगी तो संविधान की बिल्डिंग गिर जाएगी, यानी कि संविधान की हत्या हो जाएगी। जब नरेंद्र मोदी ने इस बिल को ला कर कैसे ये संविधान को गिराने का काम किया, संविधान की हत्या करने का काम किया, संविधान का मर्डर करने का काम किया, इसलिए मैं नरेंद्र मोदी से कहता हूँ इस बिल को वापस दो। और ये लोकतंत्र, ये लोकतंत्र की जो हत्या तुमने किया, संविधान की जो हत्या किया, जिस हथियार तुम इसको फौरन वापस लो, अगर ना लोगे आर पार की लड़ाई होगी, नाबूद हो जाएगा, तुमको छोड़ेंगे नहीं, तुमको वैसा हाल करेंगे जो हिटलर से, बल्कि हिटलर से बुरा भी हाल करेंगे। हिटलर का जो हाल हुआ पूरी दुनिया जानती है, फिरौन से ही बदतर हाल होगा इसका, बदतर मौत होगी, फिरौन, नमरूद, हामान, शद्दाद, बड़े बड़े जो अपने आप को खुदा कहते थे, अंजाम वही होगा जो पहले भी हुआ। खेत के मूली हो मोदी, तुम किस खेत में, तुम ऐसे मारे जाओगे, उसी तो कुर्सी है निगाहों से गिर जाओगे। अल्लाह ताला का तुम पर ऐसा आजाब आएगा, ऐसा आजाब आएगा कि तुम याद रखोगे